अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में जुटी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बुधवार को दूसरे क्वालिफायर में अच्छी फॉर्म में चल रही केकेआर की चुनौती का सामना करना होगा। पहले क्वालिफायर में दिल्ली को चेन्नई सुपर किंग्स ने मात दी, लेकिन उनके पास एक और भी मौका है। मगर केकेआर की टीम के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिल्ली की आईपीएल खिताब जीतने के सपने को तोड़ सकता है। केकेआर की टीम में अगर दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो है सुनील नारायण। नारायण गेंद और बल्ले से कितना घातक हो सकते हैं वो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ एलिमिनेटेड मैच में दिखा दिया था। नारायण ने आरसीबी के चार बल्लेबाजों को आउट किया, जिनमें विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स का विकेट भी शामिल थे। दिल्ली को नारायण के अलावा हाल ही में केकेआर के नए ओपनर बने वेंकटेश अय्यर से बड़ा खतरा है। अय्यर ने दूसरे हाफ में केकेआर के लिए ओपनिंग का जिम्मा संभाला है और सुमन गिल के साथ मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत देते रहे हैं। वही वो गेंद से भी विकेट ले सकते हैं। वही सुनील नारायण के साथी स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन भी कमाल का रहा है और वो एक रिस्क स्पिनर है और उनके पास हर बल्लेबाजों के लिए कई विकल्प है। आरसीबी के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने चार ओवर में सिर्फ 30 रन दिए और विकेट लेने के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती रन रोकने में भी काफी कारगर साबित हुए हैं। बता दें कि ऋषभ पंत की अगर अगुवाई वाली टीम अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शिकस्त झेलती है तो उसका अभियान वही खत्म हो जाएगा। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में कोलकाता की टीम की प्रदर्शन काफी सुधार हुआ है। स्पिनरों के अनुकूल पिच पर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की स्पिन जोड़ी दिल्ली के मजबूत बल्लेबाजी क्रम की कड़ी परीक्षा लेगी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली और कोलकाता के बीच होने वाले दूसरे क्वालिफायर मैच में कौन सी टीम विजेता रहेगी? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।